हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ त्रिशा। त्रिशा की रसोई में आपका स्वागत है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 2020 का फर्स्ट सुबह, तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आप सब लोग क्या कर रहे हैं, कैसे मना रहे हैं ये फर्स्ट डे 2020 का, बताना। मैं अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ मैं। तो ये है आलू और गाजर काट के रखी हूँ मैं, और यहाँ पे कुकर पे तेल गरम हो गया है और कलौंजी दे के रखी हूँ, इसका सब्जी बनेगा। और इधर बनेगा पूरी। तो इस सब्जी में हल्दी पड़ेगा थोड़ा सा। ये एक सिंपल सा सब्जी बनता है। मैंने यहाँ पे दो आलू को कट कर लिया था, नमक थोड़ा सा और एक नहीं दो गाजर को कट किया है छोटा छोटा सा। हल्का सा फ्राई होगा, उसके बाद हम लोग इसमें पानी डाल देंगे। हाफ स्पून के करीब मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ। इधर पूरी के लिए बेल रही हूँ मैं, इसका भी तेल गर्म ही हो गया होगा। मैं स्लेब में इसी स्लेब में पूरी मतलब रोटी या पूरी कुछ भी बनाती हूँ, तो इसको पहले साफ कर लेती हूँ अच्छे से, फिर बनाती हूँ। इसमें बनाने में मुझे इजी होता है इसीलिए।
तो गाइस आलू फ्राई हो चुकी है, हल्का सा फ्राई हो चुकी है, तो इतना ही चाहिए, इसमें ज्यादा फ्राई करने की कुछ नहीं है। तो अभी हम इसमें पानी डाल देंगे। एक कप पानी डाल सकते हैं आप लोग। अब इसको 3 सीटी के लिए लगा दिए, 3 सीटी आएगा तो बंद कर देंगे। तेल गर्म हो चुका था तो ये डाल दिए हम लोग फुल कुल्लू चीज, बंगाली में बोलते हैं, खाने वाला होगा प्रेशर भी। वैसे बंगाली में तो लूची मैदे से बनती है पर मैं ये आटे से बना रही हूँ, ये पूरी है, पूरी लूची एक ही होता है एक्चुअली, थोड़ा सा हेल्दी है आटे का मुझे जितना लगता है। एक सीटी आ गया,
तीन सीटी आ गया, बंद कर देंगे। ये है आलू का सब्जी, तो ऐसा ही बनता है। अभी हम लोग बनाएंगे चाय। सब्जी में अगर आप आलू को थोड़ा सा स्मैश करके देंगे ना तो और अच्छा लगता है। वही मैं कर रही थी, इसको निकाल लेते हैं कटोरी में। और ये थोड़ा सा ग्रेवी ग्रेवी बनता है, पूरी के साथ अच्छा लगता है। पूरी रोटी सबके साथ ही खा सकते हैं। चाय भी बन गई है, तो अभी हम निकाल लेते हैं चाय को। हाय गाइस, तो अर्णब ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं। आज इनका छुट्टी है। फिर से बोल लो। गुड मॉर्निंग। कैसा बना? अमेजिंग, मजा आ गया। बड़े दिनों बाद आलू की सब्जी खा रहे हैं पूरी के साथ। तो मैं भी स्टार्ट करती हूँ खाना। तो गाइस अभी हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, तो आपको भी ले चलते हैं, कहाँ पे दिखाते हैं कहाँ पे जा रहे हैं। एक्चुअली आज फर्स्ट डे है साल का, तो हम लोग कुछ कर रहे हैं। एक्चुअली दिखाते हैं आपको क्या कर रहे हैं हम लोग। तो इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है हम लोगों को ये करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, अभी थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ तो भाग के जा रही हूँ अभी। मैं आगे करवा के आ रहा हूँ।
हाय गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं वहां से. आप लोगों को दिखाई हूँ रास्ते पे जाते हुए और वहां का भी थोड़ा बहुत शूट कर पाई हूँ. ज्यादा तो शूट नहीं की हूँ क्योंकि ये चीज ज्यादा शूट करना भी ठीक नहीं होता है. तो थोड़ा बहुत शूट की हूँ. तो आज हम लोग भंडारा दिए थे, मतलब लोगों को खिलाए थे, तो वही थोड़ा सा दान जैसा है. तो अभी मन की शांति के लिए. हाँ, तो एक्चुअली मम्मी का था प्लान, तो इनके बर्थडे पे करना था, लेकिन इनके बर्थडे पे तो हम लोग नहीं थे, तो इसलिए आज फर्स्ट जन को किए. नया साल है, नया साल है, नई शुरुआत है, कुछ अच्छी शुरुआत से स्टार्ट. अच्छा रहे, खुश रहे, देना है. आप लोग को दीजिए. बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है. मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत अच्छा लगा है लोगों को ऐसे खिला के. मतलब बहुत अंदर से एक खुशी मिलती है ये. हाँ, खुशी मिलती है ऐसे करके. तो बाकी भंडारे का खाने का अलग ही टेस्ट होता है, अलग ही होता है. इनको तो बहुत अच्छा लगता है खाना. वो जो भंडारे का खाना जो होता है वो बहुत इनको अच्छा लगता है. कहीं पे भी मिलता है तो ये मतलब जाके थोड़ा बहुत प्रसाद ले लेते हैं ये. और कुछ बोलना है किसी को? नहीं, हैप्पी न्यू ईयर फिर से सब लोगों को. हैप्पी न्यू ईयर. तो चलिए हम लोग थोड़ा बहुत खा लेते हैं, थोड़ा सा लाए हैं प्रसाद के तौर पे. तो चलिए कुछ देर में मिलते हैं हम लोग. ये है सूजी का हलवा घी में बनाया हुआ, और ये है आलू का सब्जी. इसमें ज्यादा तो नहीं है. और ये है पूरी. बस यही दिए थे हम लोग, और ये कुछ प्रसाद है. तो यही दिए थे, थोड़ा बहुत लाए हैं कि हम लोगों के घर में जो लोग रहते हैं या फिर किसी किसी को देना है वही प्रसाद यहाँ से भी जाएगा अब. हाय गाइस, तो अभी बजा है 8. अभी हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने, गुड न्यूज मूवी. तो वही पे डिनर करेंगे आज, और ऐसे ही हमारा फर्स्ट डे गया है वो. फर्स्ट डे ऑफ 2020. हाँ, फर्स्ट डे ऑफ 2020. और आप लोगों का कैसा गया है कमेंट में बताइए. और आपको दिखाती हूँ क्या क्या रात को डिनर करेंगे. ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे भंडारा पे जो खाना खाई हूँ वही बहुत हेवी हो गया था. पूरी वूरी, सुबह भी पूरी खाए थे, उसके बाद भी पूरी खाए हैं, तो आज थोड़ा सा हेवी हो गया. तो चलिए मिलते हैं कुछ देर में. Thank you.
Hi guys, तो अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं. अभी 12 बज चुका है रात का. तो मूवी अच्छा था, बहुत ही इमोशनल था और बहुत ही फनी भी था, कॉमेडी था. तो अच्छा लगा मूवी देखने के बाद. तो आप लोग भी देखिए, जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग भी देखिए. तो आज का दिन मेरा ऐसा ही गया, बस एंजॉय किए फर्स्ट डे बहुत अच्छे से. तो आप लोग कैसे एंजॉय किए हैं वो कमेंट में बताना. तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे. सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करना. तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट.